आखिर बनबिलाव पर क्यों खर्च किए गए 7 करोड़ यूरो? विलुप्त होते बनबिलाव को स्पेन और पुर्तगाल ने कैसे बचाया? आखिर 20 सालों की मेहनत से बचा ली गई बनबिलाव की प्रजाति अबेरियन लिंक्स या बनबिलाव को बचाने के करोड़ों यूरो क्यों खर्च किए जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूँ यक्षिता और आप देख रहे हैं साइंस मैनिक। इबेरियन लिंक्स दक्षिण पश्चिमी यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप में पाई जाने वाली एक जंगली बिल्ली की प्रजाति है। इसे IUCN की लाल सूची में इसे इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 20वीं शताब्दी में अधिक शिकार, अवैध शिकार, उपयुक्त आवासों के विखंडन के कारण इबेरियन लिंक्स की आबादी में गिरावट आई थी। एक इबेरियन लिंक्स यानी बन बिलाव स्पेन के एक्सट्रीम द्वारा क्षेत्र के जंगल में छोड़ा गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। ये एक मोनोटाइपिक प्रजाति है और माना जाता है कि ये लिंक्स इसियोडोरेंसिस से विकसित हुआ है। वैज्ञानिक काफी वक्त से चिंता में है कि आने वाले 10 से 15 साल में बन बिलाव विलुप्त हो जाएंगे और इन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं है। आपको बता दें कि स्पेन की एक टीम बन बिलाव को बचाने के लिए उम्दा काम कर रही है और ये टीम एक साल में करीब 35 युवा बन बिलाव को जंगल में छोड़ती है। आपको बता दें कि 2000 की शुरुआत में लिंक यानी बन बिलाव विलुप्त होने की कगार पर थी। स्पेन और पुर्तगाल के जंगलों में करीब 94 ही बचे थे, जो एक चिंता का विषय था। जब इसकी कम होती संख्या पर ध्यान गया तो पता चला कि रिहाइश खत्म होने, खाने का स्रोत घटने और ट्रैफिक में मारे जाने से उनकी संख्या कम हो रही थी। वैज्ञानिक लोगों और सरकारों ने इनकी घटती संख्या को गंभीरता से लिया और एक्सट्रीम द्वारा उत्तर में स्थित बन बिलाव का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। उसी वक्त से संरक्षण उपायों को लागू किया गया है, जिसमें निवास स्थान में सुधार, खरगोशों का पुनर्भरण, स्थानांतरण शामिल है। आपको बता दें कि इस सेंटर पर सरकारी मंजूरी से ही एंट्री मिलती है। वन बिलाव प्राकृतिक संरक्षण का प्रतीक बन गया। सेंटर में काम करने वाले लोग बताते हैं कि भूमध्य सागरीय जंगलों में वन बिलाव एक अम्ब्रेला प्रजाति है। अगर ये बचे रहे तो दूसरी प्रजातियां भी बचेगी और एक समूचा हैबिटेट और समूचा इकोसिस्टम भी बचा रहेगा। आपको बता दें कि 2400 घंटे कैमरों के जरिए इन जानवरों पर नजर रखी जाती है। जंगल में खुद के बचाव हेतु सभी जीवों को शिकारी बनना पड़ता है, वरना ये अपनी जान गंवा सकते हैं। पूरे रिजर्व को चारों तरफ से सुरक्षित रखा गया है और स्पेशल स्टाफ जरूरत पड़ने पर ही रिजर्व के भीतर जाता है। सेंटर के लोग नहीं चाहते कि वन बिलाव इंसानों के साथ घुले मिले, क्योंकि कई बार अगर इंसान इनके आसपास होते हैं तो ये सही में मेटिंग भी नहीं कर पाते। और इसके साथ मेटिंग के वक्त जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी के चांस बन पाए और मादा गर्भ धारण कर पाए। बच्चे को जन्म देना और शुरुआती पोषण भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इबेरियन लिंक्स को पुनः प्रस्तुत करना और निगरानी करने का नतीजा ये हुआ कि 2012 तक इनकी जनसंख्या 326 तक बढ़ गई थी और फिर 2020 में 855 और 2021 में 1111 तक इनकी संख्या बढ़ चुकी है। सेंटर के कुशल लोग उन जोड़ों को पहले ही चुन लेते हैं जो जनन के लिए परिपक्व हो गए हैं। ध्यान पूरा रखा जाता है ताकि आने वाली पीढ़ी और भी कुशल और मजबूत बन पाए। जब किसी नए वन बिलाव को छोड़ा जाता है तो उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है। वन बिलाव पहले वायरस और जेनेटिक बीमारियों की चपेट में आ जाते थे। पशु चिकित्सक और जीव वैज्ञानिक उनकी शारीरिक स्थिति का मुआयना कर जांच के लिए ब्लड सैंपल लेते हैं। सेंटर के वैज्ञानिक कहते हैं वैसे तो वो मेडिकल फिट ही रहते हैं, लेकिन उनकी शक्ति, ताकत और चपलता की परख करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जंगल में उन्हें अपना इलाका भी खोजना होता है और शिकार भी करना होता है और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा भी करनी होती है। यद्यपि हमारे कैमरे हर तरफ होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं वो जंगल को समझे और खुद को उसके अनुसार ढाल लें। खरगोश को ये बड़े चाव से खाती है, इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि जंगल में पर्याप्त जंगल हो ताकि वो अपना शिकार आसानी से कर पाए। सेंटर के साइंटिस्ट ने लगभग 100 वन बिलाव माता चेल वैली में काउंट किए हैं और ये इलाका खरगोशों से भी भरा हुआ है, इसलिए यहाँ वन बिलाव आसानी से गुजर बसर करते हैं। इकोसिस्टम को संतुलित करते हुए उन्होंने अपना ठिकाना वहाँ जमा लिया है। आपको बता दें कि स्पेन और यूरोपीय यूनियन वन बिलाव पर
पिछले 2 दशकों में 7 करोड़ यूरो खर्च कर चुके हैं। सरकारों ने इसमें बड़ी भूमिका अदा की है, जैसे कि वैज्ञानिकों ने माना था कि बहुत से वन बिलाव कारों से एक्सीडेंट के कारण भी विलुप्त होते हैं, तो सड़कों पर निशान और टनल डाइवर्जन बना दिए गए हैं। जहां एक तरफ इस योजना से वन बिलाव को बचाया और बढ़ाया जा रहा है, वहीं इस योजना से बहुत से वैज्ञानिक, पशु चिकित्सक, रेंजर को रोजगार भी मिला है। साथ ही साथ अगर वन बिलाव किसी मेमने या दूसरे पालतू जानवर का शिकार करता है तो रेंजर को बुलाकर ये जांच की जाती है कि शिकार वन बिलाव ने किया है या किसी और जानवर ने, और यदि जांच में पाया जाता है कि किसी के पालतू जानवर का शिकार वन बिलाव ने किया है तो उसके मालिक को उस जानवर की कीमत भी दी जाती है। वन अधिकारियों को सरकार से सीधे निर्देश है कि किसी भी कीमत पर वन बिलाव के जीवन पर खतरा न आए। इन प्रयासों से लास्ट 20 सालों में स्पेन और पुर्तगाल में वन बिलाव की संख्या 10 गुना बढ़ गई है। क्रिटिकली एक्सटिंक्ट की श्रेणी में थे जो अब एक्सटिंक्ट श्रेणी में है। स्पेन और पुर्तगाल ने जो किया है वो सच में काबिल तारीफ है, और ये उनकी सोच और जीव प्रेम ही था जिसके कारण एक विलुप्त होती प्रजाति को बचाया जा सका है। और लगातार ये उनकी सोच और जीव प्रेम ही था जिसके कारण एक विलुप्त होती प्रजाति को बचाया जा सका है, और लगातार उनकी संख्या में वृद्धि के उपाय किए जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए साइंस मैनिक।